आज आज देश के 21वें हुनर हाट का शुभारंभ और उद्घाटन हमारे केंद्र के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा जी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आदरणीय सीपी सिंह जी, जो हमारे झारखंड के बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, पूर्व मंत्री हैं और विधानसभा के सदस्य हैं, यहाँ के संसद सदस्य श्री संजय सेठ साहब और तमाम और भी वरिष्ठ लोग उपस्थित रहे, और एक दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों के इस मेले में आए हुए पूरे देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों की हौसला अफजाई की, उनका उत्साहवर्धन किया। ये हुनर हाट जो है वो कौशल को काम के संकल्प के साथ इस हुनर हाट का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है। झारखंड में ये पहला हुनर हाट है रांची में, उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में अभी इसके पहले इंडिया गेट पर जो हुनर हाट चल रहा था वो अभी ख़त्म हुआ है, उसके बाद फौरन झारखंड में हो रहा है। और हमारी कोशिश है कि आने वाले इन 5 सालों में हम 100 से ज़्यादा हुनर हाटों के आयोजन के माध्यम से दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों और हुनर के उस्तादों को हम मौका और मार्केट मुहैया करा सकें। अब तक हमने इन 4 सालों के बीच में 3 लाख से ज़्यादा हुनर के उस्तादों को रोज़गार के अवसर दिए हैं। हमारी कोशिश है कि इनका जो स्वदेशी उत्पादन है उसको जो है वो विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी उसको स्थान मिल सके, उसको पहचान मिल सके। उस संबंध में जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो इस दिशा में बहुत मजबूती के साथ काम करना उसने शुरू कर दिया है। सर आपसे एक सवाल है, सर आपसे बाद में कर लेना। एक सवाल है, विपक्षियों का कहना है कि आप झारखंड के राज्यसभा सांसद तो हैं लेकिन ईद का चांद बने हुए हैं, हाँ, आते ही नहीं बताते हैं, आपको बताएंगे, आपको ना आपको बताते हैं चांद आपका। देखो भैया, CA हो, NCR हो, NPR हो, ये किसी भी भारतीय नागरिक के नागरिकता के ख़िलाफ़ नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत साफ कह चुके हैं, ये पार्टी और साथ साथ सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ताकतें जो सेकुलरिज्म का चोला और सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूम रही हैं, वो किस तरह से एक उनमें होड़ लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे बदनाम करो, और मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की होड़ में वो देश को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशों में लग गए हैं। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, देखिए हमारी प्राथमिकता है कि पूरा देश सौहार्द के साथ, शांति के साथ, समृद्धि के रास्ते पर चले। पिछले 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में हमने बिना भेदभाव, सशक्तिकरण, डेवलपमेंट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डेवलपमेंट विद डिग्निटी के संकल्प के साथ काम किया, और उसी इस तरह से हम आगे भी काम करेंगे। जो ताकतें भी, जो भी प्रवोक करने वाले प्राणी हैं, उन प्रवोक करने वाले प्राणियों को प्रॉपर सज़ा मिलेगी, ताकि इस तरह की हरकत को वो दोबारा ना करें।